युवा विकास केंद्र के तत्वावधान में सम्राट पृथ्वीराज चौहान राजकीय महाविद्यालय के सेमिनार हॉल में रिटायर्ड मेजर जनरल डॉक्टर गगनदीप बख्शी का मोटिवेशनल व्याख्यान आयोजित किया गया। मेजर जनरल बख्शी ने अपने उद्बोधन में युवा विद्यार्थियों को देश प्रेम का मर्म समझाते हुए कुछ संक्षिप्त सूत्र बताए। उन्होंने अनेक राष्ट्रभक्त देश जैसे जर्मनी, जापान, इसराइल के जनजीवन से राष्ट्रभक्ति की कथाओं को प्रस्तुत करते हुए राष्ट्रहित को सर्वोपरि रखने का मंत्र दिया। डॉक्टर बख्शी ने युवाओं में इस कदर जोश भर दिया कि पूरा सभागार तालियों की गड़गड़ाहट और वंदे मातरम भारत माता की जय के उद्घोषों से गूंज उठा। जो उड़ी में हमारी 19 विधवाओं के आंसू अभी तक सूखे नहीं थे और जो हमारे अनाथ बच्चों के आंसू सूखे नहीं थे, कल भारतीय सेना ने उन्हें कह दिया है, हम तुम्हारे साथ हैं। हमारे ये इज्जत, भारतीय सेना की इज्जत का बदला लिया जाएगा। वी विल नॉट फॉरगेट, वी विल नॉट फॉरगिव। हम नहीं भूलेंगे, हम कभी माफ नहीं करेंगे। भारतीय खून सस्ता नहीं है कि जब चाहे चवन्नी में बहा दिया जाए। ये हमेशा की ठाट बांध के रखिए। मेरा संदेश बच्चों को यही है कि हमारी जो शिक्षा प्रणाली है उसमें मूल्य नहीं सिखाए जाते, और चार मूल्य मैं बच्चों को आज बता के गया हूँ। कंट्री, करेज, कंपैशन और ट्रुथ, CCTV। ये चार वैल्यूज अगर आप अपने जीवन में धारण कर लें, आप कभी कभी हारेंगे नहीं, आप सफलता शिखर चूमेंगे। आपका वैल्यू सिस्टम ठीक रहेगा, आपकी कार्रवाई, आपके एक्शंस बिल्कुल ठीक रहेंगे, कोई करप्शन नहीं होगी इस देश में। अगर हम देश को सर्वोपरि माने, देश को प्राथमिकता दें, हम में हिम्मत हो, ये बुजदली का जो अहिंसा का ये फलाना जो दौर आ रहा है वो ख़त्म होना चाहिए अब देश में। और हमको बच्चों में वीर भाव साधना करनी चाहिए, वीर भाव पैदा करना चाहिए। युवा विकास केंद्र सम्राट पृथ्वीराज चौहान राजकीय महाविद्यालय अजमेर के तत्वाधान में आज आदरणीय मेजर जनरल डॉक्टर गगनदीप सिंह जी बख्शी का उद्बोधन विद्यार्थियों के लिए रखा गया। आदरणीय बख्शी साहब ने विद्यार्थियों को जीवन मूल्य, देश की सुरक्षा, मातृभूमि के लिए कर गुजरने के जज्बे आदि सभी का उल्लेख करते हुए जीवंत उदाहरणों से विद्यार्थियों का मार्गदर्शन किया। ठीक है, वो बीज बोए हैं जिसका फल हमें आने वाले सालों में नज़र आएगा। हमारे यहाँ से हमें उम्मीद है कि बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो सेना में जाएंगे और आज के 20 साल 30 साल बाद हमें समझ में आएगा कि वो उसी लेवल पे पहुंच के हमसे वापस बात करेंगे। इन्होंने जिस तरह के आदर्शों की बात करी है वो अपने जीवन में उतारेंगे, ऐसा आज के माहौल से हमको लग रहा है। रक्षा विशेषज्ञ और सेवानिवृत्त मेजर जनरल गगनदीप बख्शी ने भारतीय शिक्षण मंडल अजमेर महानगर इकाई चित्तौड़ प्रांत की ओर से गुरुवार शाम जवाहर रंगमंच पर आयोजित शिक्षा एवं राष्ट्रीय सुरक्षा विषय पर बतौर मुख्य अतिथि बोलते हुए कहा कि केंद्र सरकार ने राजनीतिक इच्छा शक्ति और हिम्मत दिखाकर भारतीय सेना को जो छूट दी उसका नतीजा सर्जिकल स्ट्राइक ऑपरेशन के रूप में सेना के जाबाज जवानों ने पाक अधिकृत कश्मीर में घुसकर आतंकी ठिकानों को नेस्तनाबूद कर दिया। उन्होंने कहा कि उरी हमले के बाद देश के जवानों और जनता का धैर्य टूट गया था, लेकिन हमारे जाबाज जवानों ने POK में घुसकर आतंकवादियों के साथ ठिकानों पर बमबारी कर 40 से ज्यादा आतंकियों को मौत के घाट उतार दिया। इस घटना के बाद अब शहीद परिवारों में भी संतोष देखा गया। उन्होंने जवाहर रंगमंच पर अपने जोशीले भाषण से खचाखच भरे सभागार में जोश भर दिया। राजस्थान की पुण्य भूमि जो ये है, ये हमारे योद्धाओं की भूमि है, इसके फिर एक बार दर्शन हुए और आप इस भूमि के पुत्र हैं। मैं आप सबको नमन करता हूँ, राजस्थान को नमन करता हूँ। हम सैनिकों के लिए ये तीर्थ स्थान है और आज तो देखिए, ये जो तीर्थ मेरा था, मैं समझता हूँ इसमें चार चांद लग गए, क्योंकि बड़ी बेताबी से जिसका हमें इंतजार था 30 साल से, पिछले 30 साल से हमारी सेना, हमारा देश एक रक्षात्मक, डिफेंसिव, प्रतिक्रियात्मक, रिएक्टिव और कॉन्सिक्वेंस मैनेजमेंट ओरिएंटेड मोड में आ गया था कि जिस तरह आग लगे तो फायर ब्रिगेड भेजो, पानी डालो, बुझाओ। हर पानीपत की लड़ाई कहां लड़ी गई? पानीपत में भारतवर्ष के अंदर। और क्या मिला आपको पानीपत की लड़ाइयां लड़के? हर लड़ाई में आप हारे।
अब समझ गए, क्योंकि जो केवल रक्षात्मक होके लड़ते हैं, अध्यक्ष माओ से तुंग ने कहा है केवल एक पूर्ण मूर्ख, ओनली अ कंप्लीट फूल और अ मैडमैन विल अडॉप्ट डिफेंसिव डिफेंस फॉर एवर। केवल एक पूर्ण मूर्ख या एक पागल व्यक्ति ही हमेशा हमेशा के लिए डिफेंसिव डिफेंस पे हो जाता है, वो मार खाने की स्थिति में आ जाता है। देखिए, आपको जो इतना सैनिक कला का ज्ञान नहीं रखते, मेरे फौजी भाई समझते हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं, और खासकर राजस्थान की वीर भूमि में ये जोर देने की जरूरत नहीं होनी चाहिए, कि अगर एक हाथ में ढाल होती है तो दूसरे हाथ में तलवार होनी चाहिए। आप केवल ढाल से नहीं लड़ सकते साहब, ऐसे 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 करके। ये आखिरी बार जो लड़ा था ऐसे ऐसे ढाल के साथ, वो था बेचारा अभिमन्यु, और जैसे कि आप सब जानते हैं वो मारा गया। इससे पूर्व मंडल के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनवारी लाल ने मंडल के कार्यों की जानकारी दी। कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे शिक्षाविद हनुमान सिंह राठौर ने भी उद्बोधन दिया। इस मौके पर मंडल के प्रवीण माथुर, शैलेंद्र सिंह राजावत सहित अनेक लोग मौजूद रहे। सैनिक जो शिक्षा प्राप्त करता है और उसके मन में क्या उद्वेलन होता है जब हाथ बांध कर लड़ने को कहा जाता है, जब सेनाएं जीती हुई बाजी हमारी सरकारों के नेतृत्व करने वाले टेबल के ऊपर हारते हैं तो कितना आक्रोश उत्पन्न होता है सेना के बीच में, उस सब का हमने सुना। लेकिन जनता किस प्रकार के वक्तव्य देती है, लेफ्टिस्ट किस प्रकार से बोलते हैं जेएनयू और जाधवपुर में और हैदराबाद में किस प्रकार से और नारे लगते हैं इस देश को तोड़ने के, तब समझ में आता है कि हमारी तथाकथित शिक्षा में कहीं न कहीं कोई खोट आया है। खोट थोड़ा है लेकिन अगर समय पर नहीं निकाला तो नासूर बन सकता है। इसलिए अपनी जो घर की शिक्षा है, जिसको अनौपचारिक शिक्षा कहते हैं, जो समाज की शिक्षा है, जो राष्ट्र के विद्यालयों में दी जाने वाली शिक्षा है, उसका हमारा भारतीय प्रतिमान, हमारे देश की अस्मिता वो क्या है। हमारा शत्रु जो हमारे कभी कभी छेड़खानी करता रहता है, उसको सही सबक सिखाने की, और आज की सुबह हमारे जवान सिपाहियों ने, हमारे सैनिकों ने वो कार्य कर दिखाया जिसकी लंबे समय से प्रतीक्षा थी। सबसे पहले उन विजयी सैनिकों को सलाम, उनका अभिनंदन, भारत माँ के उन सपूतों का अभिनंदन जिनके कारण आज हम गौरवान्वित हैं। जो कुछ दिन पहले हम मायूसी की छाया में थे, आज वो छाया हट चुकी है, आज भास्कर चमक रहा है। भारतीय शिक्षण मंडल भारतीयता शिक्षा में किस प्रकार आए, किस प्रकार हम हमारे पुराने गौरव को जागृत कर सकें, इस कार्य में लगा हुआ है, और इसके लिए हम पाठ्यक्रम, प्रबोधन, प्रशिक्षण, शोध कार्य व समय समय पर जन जागरूकता के लिए सेमिनार आदि करते रहते हैं। समसामयिक विषय को देखते हुए आज का यह सेमिनार अजमेर में अजमेर इकाई के द्वारा आयोजित हुआ।